नमस्कार दोस्तों, अंडमान ट्रैवल व्लॉग के पांचवें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था हमारा, और इसके बाद जस्ट चेकआउट करके हम काला पत्थर बीच की ओर चल देंगे। हमें ऑटो में देखकर आप ये समझ रहे होंगे कि हम काला पत्थर बीच जा रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी हम जेट्टी पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिसेप्शन के पास हमारा कुछ लगेज रखा हुआ था और वो लगेज कोई दूसरा ही लेके चला गया है। अब हमने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि उनकी फेरी एक घंटे बाद की है, इसलिए वो सीधे जेट्टी पर ही गए होंगे, तो हम जस्ट अपना लगेज चेक करने और उनसे वापस लेने के लिए जा रहे हैं। लगभग 15 मिनट में हम जेट्टी पर पहुंच जाएंगे और हमें लगेज ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है। उसके बाद तुरंत वापस आएंगे और फिर हम काला पत्थर बीच की ओर बस से जाएंगे। ये आपने मेरा नाम भी लिखा हुआ है उसपे। सारा एक ही रूम में रुका हुआ था। तो दोस्तों, मेरा लगेज मुझे मिल गया वापस, भगवान का शुक्र है लाख लाख। नहीं तो ऐसी स्थिति में आत्मा फूलने लगते हैं, सारा सामान डॉक्यूमेंट उसी में था, कहीं वो खो जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो हम वापस अपने होटल में आ चुके हैं, यहीं पर मैं अपना लगेज रख देता हूं, क्योंकि इतना भारी लेके मैं काला पत्थर बीच में कहाँ जाऊंगा। तो यहां पर रख के और फिर बस पकड़ते हैं। दोस्तों, बस आ चुकी है और ये ऑर्डिनरी बस है, एसी वाली नहीं है। खैर, किसी तरह हम इसमें सीट मिल जाए तो हमारी यात्रा सुगम हो जाएगी। ये जो सामने भगवा कलर के पिलर्स दिख रहे हैं, ये यहाँ की सब्जी मंडी है और यहीं से पूरे हेवलॉक में सब्जी सप्लाई होती होगी। दोस्तों, हम अभी काला पत्थर बीच के लिए निकल चुके हैं। हमें जस्ट ड्राइवर के सामने वाली सीट मिल चुकी है, वो पहले तो नहीं मिली थी, लेकिन अभी कुछ पैसेंजर नीचे उतरे हैं तो हमें वो सीट मिल गई। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीट मिलना भी एक चुनौती का कार्य है। लगभग आधा किलोमीटर के बाद दोनों तरफ जंगल देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से जंगलों के बीच में रास्ता है। एक तरफ छोटी सी पहाड़ी है और दूसरी तरफ में समुद्र है, और उस समुद्र तट के साथ साथ ही सड़क भी जा रही है। लगभग एक किलोमीटर की यात्रा के बाद से बीच भी दिखना शुरू हो जाता है साइड में। यहाँ पर लाइन से रिजॉर्ट भी बने हुए हैं, मैं लौटते समय दिखाऊंगा। दोस्तों, जब आप मैप में देखेंगे तो आपको दो तीन जगह पर काला पत्थर बीच दिखाई देगा, लेकिन ये बीच लगभग एक ही है। शुरुआत में जो बीच पड़ता है वो पथरीला है और साथ में कीचड़ युक्त भी है, तो वहाँ जाने से अच्छा है कि हम जो मध्य में काला पत्थर लिखा हुआ है, इस बीच पे उतरेंगे। और इस बीच पे शायद, क्योंकि मैंने मैप में देखा था, तो इस बीच में नॉर्मल रेत है और जैसा नॉर्मल बीच होता है वैसा बीच है, तो हम यहीं पर उतरेंगे और फिर यहाँ से लगभग एक डेढ़ घंटे में वापस जेट्टी की ओर चलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर भी है और बीच में कीचड़ भी भरा हुआ है, पानी जमा हुआ है, आप देख सकते हैं।
तो इस तरह के बीच पे जाने, क्योंकि सुनसान भी है, इधर कोई आया भी नहीं है, एक दो लोग ही दिख रहे हैं जो फोटोग्राफी के लिए आए हैं। और यहाँ से रेतीला बीच शुरू हो जाता है, तो हम जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। मुश्किल से मुझे सामने ही दिख रहा है, ये गाड़ी जा रही है, उसके बगल में कुछ नीले रंग का रखा हुआ है, तो काला पत्थर बीच जस्ट आ ही गया है। दुकानें भी दिखने लगी हैं, तो यहीं पर हम उतर लेते हैं। दोस्तों यहाँ तो अच्छी हरियाली है, पेड़ के नीचे बेंच बने हुए हैं जिस पर आप बैठ भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और लेकिन कचरे का अंबार लगा हुआ है, यहाँ उतनी सफाई नहीं है जितनी राधानगर में थी। ये आप देख सकते हैं, प्लास्टिक के कचरे और नॉर्मल नेचुरल कचरा भी पड़ा हुआ है। ये एक हट है जहाँ पर लाइफ गार्ड है शायद। ये देखिए नीला समुंदर है, इसमें से जब सुबह सूर्योदय देखने आएंगे आप तब अधिक आनंद आएगा। सुबह लेकिन आपको बहुत जल्दी आना पड़ेगा, 4:30 बजे के आसपास तक। और ये कचरा पूरे बीच पे फैला हुआ है, मुझे लगा एक ही जगह पर शायद होगा, लेकिन बहुत दूर तक कचरा दिख रहा था। दोस्तों यहाँ पर बच्चे कुछ खेल रहे हैं और लहर भी तेज है, ये आप देख सकते हैं इसका व्यू। अभी ये हरा हरा कुछ पानी में तैर रहा है, इसको देखता हूँ ये क्या है। अरे ये तो मक्खन की तरह हाथ में पिघल गया, चिपचिपा पदार्थ था कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसी गीली मिट्टी या कीचड़ हाथ में उठा लिया हो, पूरा हाथ में लग गया। अभी किसी से पूछता हूँ कि ये क्या चीज़ हो सकती है, इंटरनेट तो अभी चल नहीं रहा है यहाँ पर। इंटरनेट से याद आया कि कहीं कहीं पर हो सकता है इंटरनेट ना भी चले। ये तो पूरे बीच में ही फैला हुआ है, आप देख सकते हैं, तो रेत पे भी फैला हुआ है ये। तो अभी मैंने इनसे पूछा, एक यहाँ फोटोग्राफर थे, तो उन्होंने बताया ये जेली फिश है, लेकिन इसमें ये मरी हुई जेली फिश है, इसमें हड्डी और मांस कुछ भी नहीं है। दोस्तों तभी एक बोतल पे मेरी नज़र गई है, इस बोतल को देखिए, इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है, पानी भरा है और कोई जीव है इसके अंदर। इसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के उपयोग के कारण कितना नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, जीव जंतुओं को। अब हमारे जैसे किसी भाई ने फेंका होगा इस बोतल को, मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये निकल भी नहीं रहा है। तब तक के लिए इसको मैं वापस पानी में फेंक देता हूँ, और मैं कुछ धारदार चीज़ ढूंढता हूँ जिससे कि इसको काटा जा सके, क्योंकि ये वैसे तो पकड़ने में भी डर लग रहा है कहीं काट ना ले। जीव जंतुओं का कुछ हम इतने विशेषज्ञ हैं नहीं कि कब काटेगा कब नहीं काटेगा कितना काटेगा, तो इसलिए मैं कुछ धारदार चीज़ ढूंढता हूँ और इसको बीच से बोतल को काट के और फिर निकाल देता हूँ। तो दोस्तों मुझे यहाँ एक कांच का टुकड़ा मिल गया है, उसी टुकड़े से मैं इसको काट कर निकालने की कोशिश करता हूँ। और इतना धारदार तो नहीं है ये कांच का टुकड़ा, लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादा देर तक घिसने से शायद एक कट जाएगी बोतल। तो बोतल में एक कट तो लग गया है, अब इसको फाड़ना बाकी है। इसके लिए थोड़ा मुझे लग रहा है कि ऐसे फटेगा नहीं, हाथ में ना लग जाए। एक मिनट जरा कैमरे को साइड में रखता हूँ, तभी इसको निकाल पाऊँगा। तो ये बोतल को फाड़ दिया है, अभी आराम से निकल जाएगा। तो देखो दोस्तों ये आजाद हो चुका है केकड़ा, अब इसको मैं पानी में ढकेल देता हूँ, अपना काम खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए, यही गुजारिश है। और मैंने तो आज प्रत्यक्ष देख लिया कितना बड़ा नुकसान होता है। इसी तरह से एक और वीडियो मैंने देखी थी, उसमें कछुए के ऊपर प्लास्टिक का कुछ लिपट गया था, उसको किसी ने, जो लोग शिप से जा रहे थे छोटी नाव से, उन्होंने निकाल के फिर उसको रिमूव किया था। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक या इस तरह की प्लास्टिक का कम से कम यूज करें।
और खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ पर जैव विविधता केंद्र हैं वहाँ पर तो बिल्कुल ना के बराबर ही करें। ये कुछ फल पड़ा हुआ मुझे मिला है इसी तट पर, ये देखने में कटहल के जैसे लग रहा है और एक शरीफा फल होता है, शरीफा उसके जैसे लग रहा है, लेकिन ये क्या है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। तो अब मार्केट की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये मार्केट देखिए, यहाँ पे कुछ तो कपड़े हैं, टी शर्ट हैं जिसमें अंडमान की प्रिंटिंग है, पोर्ट ब्लेयर है ब्लॉक की, और कुछ ये यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हैं। तो इनको देखकर मुझे प्रधानमंत्री जी की ये बात याद आती है, ये देखिए जरा वीडियो। इसको देखने के बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर बस स्टैंड भी है, तो उसके लिए बस टाइमिंग लिखी हुई है। ये टावर है, टावर लेकिन बंद है अभी, ये देखिए छोटा सा गेट लगा हुआ है। उसके पीछे हट है, उसमें बैठने के लिए बेंचेस बनी है और इधर वॉशरूम्स बने हुए हैं पीछे के साइड, और पूरा हरा भरा पार्क का रूप दिया गया है इसको। देखिए बाइक खड़ी है, लोग अंदर गए हुए हैं। अब ये रास्ता सीधा जाता है और आगे जाके ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों हमारी बस आ गई है और हम चल पड़े हैं होटल की ओर। अभी हम होटल से सामान उठाकर जेट्टी की तरफ निकल जाएंगे। तो इस बार भी हमें सीट मिल गई है, वो भी एक सीट पूरी जिसमें मैं विंडो पर बैठा हूँ, इसकी वजह से बाहर का वीडियोग्राफी कर पा रहा हूँ। दोस्तों इस मार्ग पर कई सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं। उन रिजॉर्ट का फ़ायदा क्या है कि उनका जो बैकयार्ड है, कई सारे उसमें ऐसे रिजॉर्ट हैं जिनका बैकयार्ड सीधे बीच पर ही खुलता है और वहाँ से आप सीधे बीच पर जा सकते हैं। ये वाला बीच है, ये गोविंद नगर बीच। इसके लिए आपको थोड़ा बजट अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी तक जिस होटल में रुका हूँ वो सब 2000 के अंदर वाले थे और इधर थोड़ा रेंज ऊपर हो सकती है, तो वो आप रिसर्च करके देख सकते हैं। बाकी हरियाली पूरी मिलेगी, बीच का फ्रंट रहेगा, आप शाम को भी ऐसे वॉकिंग के लिए भी बीच पे जा सकते हैं, लेकिन वही बजट की दिक्कत होगी। और प्लस यहाँ से आपको राधा नगर बीच तो मेन है, यहाँ का राधा नगर बीच और दूसरा एलिफेंट बीच, तो उन दोनों बीच तक जाने के लिए आपको यहाँ से भी जाना पड़ेगा ऑटो करके, या अगर आप पैकेज में आए हैं तो टैक्सी करके। तो वो सब चीज़ें कंसीडर करके ही इधर बुकिंग करिए आप। तो दोस्तों मार्केट एरिया आ गया है हमारा, जस्ट स्टॉप भी आने वाला है, होटल के पास ही उतर जाएंगे हम लोग। और यहाँ से ऑटो का रेट नॉर्मल ही है, 50 रुपये के या 100 रुपये लगता है। तो ये देखिए सब्जी मंडी का गेट है। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों अभी जेट्टी पर अपने सामान के साथ, अपने लगेज के साथ, और जेट्टी के बाहर बने हुए इस पीपल के पेड़ के नीचे हम बैठे हुए हैं। अब हम थोड़ा मार्केट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर के आया हूँ छोटी वाली जेट्टी पर। इस जेट्टी पर ये देखिए फेयर चार्ट लगा हुआ है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बैठने के लिए बेंचेस भी हैं, मतलब वेटिंग एरिया है ये। और इस सेट के नीचे ही ये देखिए आपको जो लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, ये फेरी ऑपरेटर्स के हैं, गाइड्स हैं, और आपको अन्य स्कूबा डाइविंग आदि कराने वाले लोग हैं। और पूरी मार्केट इसी की चीज़ की, ये पूरा एरिया है इसी चीज़ की मार्केट है ये, जहाँ पर आपको जगह जगह पर लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप स्कूबा डाइविंग वगैरह की, ये देखिए भाई स्कूबा डाइविंग करके आया शायद, तो यहाँ से आप अपना बुकिंग करके एलिफेंट बीच भी जा सकते हैं, और स्कूबा डाइविंग, सी वॉक या कोई भी इस तरह की वाटर स्पोर्ट्स करना है उसकी भी बुकिंग यहीं से कर सकते हैं। तो मार्केट एरिया है ये, और यहाँ पर नॉनवेज होटल ज़्यादा रहते हैं, मैंने शायद पहले भी बताया होगा आपको। तो मैं ढूंढ रहा हूँ एक वेजिटेरियन होटल, ये वाला शायद दीपक होटल है, इसमें ही पता करते हैं कि क्या मिल सकता है हमें वेजिटेरियन में। और दूसरी तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कन्फेक्शनरी शॉप है, उसमें नॉर्मल रेट पे नॉर्मल सामान जो कन्फेक्शनरी दुकान पर मिलता है वही सब मिलेगा। तो दोस्तों हम फाइनली दीपक होटल में ही आ गए, और यहाँ पर हमें खाने के लिए दाल चावल, ये दो सब्जियाँ और दही मिल गया है।
इसके बाद हम वापस चलते हैं जेट्टी की ओर। जेट्टी में देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस तरह का कुछ दिखेगा एक दो साल में जब भी प्रोजेक्ट पूरा होगा। तब यहाँ पर हम खड़े थे तभी सिक्योरिटी वाले ने बताया कि आपने भले वेब चेक इन कर लिया हो लेकिन आपको यहाँ जाके मोहर लगवानी पड़ेगी, इसलिए हम मोहर लगवाने आ गए। ये देखिए ये जो हट के अंदर चल रहा है ये मैक्रोस का ऑफिस है, तो मैंने वेब चेक इन कर लिया था इसलिए आज मुझे विंडो सीट मिल जाएगी, ऐसा कन्फर्म है। तो विंडो सीट तो मिलेगी ही, साथ में मैं जब सीट सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने बिल्कुल फ्रंट की सीट सेलेक्ट की है। तो देखते हैं आज का एक्सपीरियंस हमारा फेरी का कैसा रहता है, क्योंकि मैंने पिछली बार जब मिला था तो बीच की सीट थी, और बीच की सीट थी प्लस विंडो सीट नहीं थी, तो लेकिन आज वाली जो यात्रा है उसमें विंडो सीट भी है प्लस बिल्कुल फर्स्ट रो की सीट है। तो आज की यात्रा देखते हैं दोस्तों कैसी रहेगी। दोस्तों हमारे जेट्टी में एंटर करने से पहले ही लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं, बोर्डिंग चल रही है, लगेज रखा जा रहा है, और नहीं शायद बोर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई है, केवल लगेज रखा जा रहा है अंदर। तो यहाँ पर शिप के साथ कुछ फ़ोटो वोटो खींच के फिर आगे चलेंगे। ये जो आपको सिलेंडरकल शेप का कुछ दिख रहा है ये इसलिए लगाया गया है ताकि अगर शिप दीवार से टकराता है तो ये बीच में शॉकर का काम करे, शॉक ऑब्जर्वर का काम करे और शिप में डेंट ना पड़े। तो दोस्तों फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई है और हम भी चलते हैं अंदर। ये फर्स्ट केबिन जिसमें 8 सीट होती हैं, वीआईपी टाइप की सीट अच्छी रहती है यहाँ की, थोड़ी इनकी जो स्पंज है सीट्स का जो कुशनिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा रहता है। ये ऊपर का डेक है, इसमें भी लगभग 60-70 सीट के आसपास रहती है, और हमारा नीचे का डेक। तो हम पहुँच गए हैं अभी नीचे के डेक में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ इसका विन्यास है। हमारा बिल्कुल फ्रंट रो की विंडो सीट है और सामने बड़े से शीशे लगे हैं जिससे हम सामने भी समंदर देख सकते हैं। लगभग 10 मिनट बैठने के बाद ही धीरे धीरे हलचल शुरू हो गई और हमारी फेरी धीरे धीरे जेट्टी से दूर हो रही है, आप देख सकते हैं इसमें हलचल। लग रहा है कि आज कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इतनी हलचल तो कभी नहीं होती है। तो दोस्तों नाव चल चुकी है समंदर में, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और विंडो सीट का फ़ायदा है कि दूर तक जूम करके मैं देख सकता हूँ। ये जो छोटी छोटी नावें हैं एलिफेंट बीच वाली और स्कूबा डाइविंग वाली है, आपको बताया था मैंने पहले भी। तो दोस्तों नाव जिस तरह हमारे फ्रंट रो होने के कारण हमें कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा है कि नाव ना कुछ झूले झूला रही है हमें। अब झूले झुलाने की वजह से ही सी सिकनेस होती है लोगों को, जिसमें उल्टी आना और चक्कर आना ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं लगभग 45 मिनट का ये सफ़र होने वाला है हैवलॉक से नील आइलैंड का, और हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर का 1.25 घंटे का, मतलब 1 घंटे ज़्यादा का। तो देखते हैं अगर आसानी से सफ़र कट जाता है तो। धीरे धीरे करके नाव में हलचल बढ़ती जा रही है। आगे का फ्रंट सीट कभी मत लेना दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि फ्रंट सीट कभी, फ्रंट मतलब आगे की 2-4 रो भी मत लेना कभी भी। अगर आप वेब चेक इन करते हैं तो बीच की ही, भले विंडो सीट लो आप लेकिन बीच में कहीं लो, आगे का छोड़ के, क्योंकि आगे देखिए कितना ज़्यादा इसमें उछाल, कहीं भी पानी टकरा रहा है तो बिल्कुल ऊँचे हमारा झूले जैसी हालत बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि वो हम किसी स्पिन राइड में घूम रहे हैं किसी मेले में, ऐसा लग रहा है। उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा जी मचला रहा है। लोगों ने शोर करना भी शुरू कर दिया है और शोर करते करते उल्टी भी करने लग गए हैं लोग। तो किसी तरह हमारी यात्रा पूरी हुई और अब हम नील आइलैंड पर उतरने वाले हैं।
नील आइलैंड का व्यू आप दूर से देख सकते हैं। लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं जो क्रू स्टाफ है, और ये दूर यहाँ भी छोटी छोटी नाव नज़र आ रही हैं सामने, देखिए। तो दोस्तों उतरने की बारी आ गई है, और इस बार हम जानबूझकर लेट थोड़ा कर रहे हैं क्योंकि हम जिससे अच्छी रिकॉर्डिंग अच्छे फुटेज निकाल सकें। ये है दोस्तों इनका छोटा सा कैफेटेरिया जहाँ पर आपको खाने के लिए सैंडविच वगैरह मिल जाएंगे। ये इनका मेनू कार्ड है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। और ये कॉफ़ी मशीन रखी हुई है, समोसे वड़े ये सारी चीज़ें, मतलब रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा आपको, लंच या वो तो नहीं मिलेगा, कोई हैवी लंच या ब्रेकफास्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ स्नैक्स मिल जाएंगे आराम से, पैक्ड ड्रिंक वगैरह भी मिल जाएंगे। ये देखिए सामने की तरफ रखे हुए चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह, जूस, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये पीछे की साइड में एक रो में चार सीट आपको दिख रहे होंगे, इसी के जस्ट पीछे वॉशरूम एरिया जो मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपको दिखाया था। ये देखिए ऊपर का केबिन है पूरा खाली, आगे की तरफ जो दरवाज़ा खुला हुआ है वही दरवाज़ा है जिसमें चालक दल बैठता है। तो दोस्तों हम नील आइलैंड पर अभी उतर चुके हैं। दोस्तों अभी हम फटाफट ऑटो करके चलते हैं अपने होटल में, और वहाँ से थोड़ा सा फ्रेश होके फिर चलेंगे सनसेट देखने के लिए लक्ष्मणपुर बीच पर। अब हम पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्या होता है तो आगे का विषय है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे क्योंकि अभी बज रहे हैं 3 और 5:45 के करीब सनसेट हो जाता है। कल का सनसेट हमने राधानगर बीच में देखा था 4:57 पर, तो यहाँ भी 4:57 के आसपास ही होना चाहिए। तो अभी हमारे पास समय बचा है मोटा मोटा 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे में ही हमें होटल पहुँच के चेंज करके वॉशरूम चेक इन सब कुछ निपटा के और वहाँ पहुँचना भी है। ये आप नील आइलैंड का फर्स्ट व्यू देख सकते हैं, ग्रीनरी यहाँ पर भी काफ़ी है, लेकिन ये पानी के गंदगी कुछ अच्छी नहीं लगी। इतना गंदा पानी तो हैवलॉक या पोर्ट ब्लेयर में भी नहीं होगा। अब ये गंदगी क्यों है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ों से पत्ती उत्ती गिरी होगी, उसी का कुछ अवशेष रह गया है। दोस्तों जेट्टी के बाहर निकलते ही देखिए दुकानें लगी हैं, जो लोग लाइन से इधर बैठे हुए हैं वो सभी अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग एग्जिट गेट से निकले हैं, वो लोग एंट्रेंस पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इनका बुकिंग कार्यालय है जहाँ पर सरकारी फेरीज के लिए टिकट मिलती है। दोस्तों जब भी जेट्टी पर कोई फेरी आती है, लोग पैसेंजर्स उतरते हैं, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए ऑटो के रेट वगैरह नेगोशिएट करना ज़रूरी है। तो खैर हमें एक ऑटो मिल गया जिसने 200 रुपये में होटल हमें छोड़ने के लिए राजी हो गया है। दोस्तों यहाँ की सड़कें तो हैवलॉक से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, टूटी हुई हैं, बीच बीच में गड्ढे भी हैं, किनारा तो बिल्कुल टूटा हुआ है। और जेट्टी से ही आप स्कूटी भी ले सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जेट्टी के पास में कई सारे ऑपरेटर्स हैं जिनसे आप स्कूटी या बाइक लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हैवलॉक उतनी हरियाली मुझे नहीं लग रही है क्योंकि बहुत ऊँचे लंबे पेड़ नहीं दिख रहे हैं मुझे। खैर हमारा होटल का बोर्ड दिख गया है और ये RCC रोड शायद वहीं पर जा रही है, यहीं से शुरू हो गया शायद होटल, मतलब बहुत बड़ा प्रेमिसेस है इसका। तो दोस्तों ये होटल आ गया है हमारा, होटल नेहा पैलेस, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में गार्डन बना हुआ है, दोनों तरफ हट हैं। अब अंदर से कैसा है ये तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा, तो चलते हैं फटाफट अंदर। तो ये है दोस्तों रूम का विन्यास कुछ ऐसा है, इंटीरियर काफ़ी अच्छा लग रहा है, कपबोर्ड भी है, टेबल भी है, और ये है वॉशरूम। वॉशरूम भी ठीक ही है, मतलब रेट के हिसाब से सही है। ये होटल भी हमें 2100 रुपये का पड़ा है, AC होटल, AC रूम है, TV वगैरह सब लगा के।
दोस्तों हम तैयार होके लगभग 20 मिनट तक प्रतीक्षा किया हमने ऑटो की। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑटो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे हैवलॉक में मिल जाते थे, मतलब हाथ दे के ऑटो नहीं मिलेंगे। और उसके लिए आप या तो अपने होटल से किसी ऑटो वाले का नंबर ले लीजिए, या फिर जो जेटी से आपको ऑटो होटल छोड़ने जाता है उसी का नंबर ले लीजिए, और कहीं भी जाना हो तो आप उसी को फ़ोन करके बुलाइए। क्योंकि रास्ते में सारे इस रास्ते में खासकर, क्योंकि इसी रास्ते का मैं बता सकता हूँ बिल्कुल कंफर्म कि हाथ देने से कोई भी ऑटो या टैक्सी नहीं मिलेगी आपको, सारी बुकिंग वाले ही आते हैं और वही जाते हैं। तो दोस्तों गाड़ियां आप देख सकते हैं, ये सारे सनसेट देखने के लिए ही लोग आए हुए हैं इस बीच पर। और यहाँ पर दो तरह के, मतलब बीच शायद एक ही है लेकिन उसका दो तरफ से एंट्रेंस है। एक तरफ तो ये है पार्किंग के जस्ट नीचे उतरते ही, और दूसरा है कि आप पार्क करके गाड़ी और थोड़ा सा और पैदल जाइए। तो मैं जो पास में, क्योंकि सनसेट हो चुका ऑलरेडी, हमारे गाड़ी में 5:10 हो रहे हैं तो सनसेट हो चुका है, और इसलिए हम यही पास वाले बीच में जाते हैं। हमें थकान भी काफ़ी हो रही है तो यहाँ इस बीच को देखकर फिर वापस चलेंगे। पार्किंग में भी आप गाड़ियाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगी हुई हैं। ये सभी लोग शाम के समय केवल सनसेट देखने के लिए ही आते हैं इधर। पार्किंग से उतरते ही बालुआ रास्ता शुरू है, रेतीला रास्ता, और ये अच्छी बात है कि किनारे किनारे स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं जो शायद जल जानी चाहिए अगर हम वापस आते हैं थोड़ा लेट। तो ये बीच तो बहुत ज़्यादा रफ लग रहा है, ये मतलब नहाने योग्य तो नहीं है बिल्कुल भी, और स्विमिंग योग्य भी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि आज समुद्र का पानी और बढ़ेगा, क्योंकि शायद इसी वजह से हमें शिप में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। देखिए आप लहरें देख सकते हैं कितनी तेज़ उठ रही हैं। तो थोड़ी देर यहीं पर बैठते हैं और फिर चलेंगे हम वापस अपने होटल। तो दोस्तों शाम से रात हो चुकी है, आप आसमान में चंद्रदेव देख सकते हैं और स्ट्रीट लाइट भी जल चुकी है, हमें अब वापस चलना चाहिए। वापस जाते समय हमें सामने ये रिजॉर्ट दिखा, जस्ट पार्किंग के सामने ही पूरी तरह से रोशनी से नहाया हुआ है, और गाड़ियों की लाइनें आप देख सकते हैं, एक साथ ही सारे लोग निकले हैं। क्योंकि जैसे ही बीच बंद होने का समय होता है तो सिक्योरिटी वाले वापस भेजने लगते हैं। दोस्तों इस रास्ते में कई वेज रेस्टोरेंट हैं, प्योर वेज रेस्टोरेंट, तो उनमें से एक में हमने विजिट किया, और चूंकि 7 और उल्टी होने की वजह से अभी भूख भी नहीं लगी थी, लेकिन हमने उनका मेनू कार्ड का फ़ोटो ले लिया था जिससे कि अगर सुबह हमें आना पड़े ब्रेकफास्ट करने के लिए तो हम फ़ोन करके कुछ अपना रेडी करवा लें। दोस्तों पैदल चलते हुए हम अगले 10 मिनट में अपने होटल पहुंचने वाले हैं। तो मुझे ये पता चला कि यहीं से इनका होटल शुरू हो जाता है, और कुछ गेस्ट हाउस टाइप के, मतलब अलग अलग इनका बजट के हिसाब से और कितने दिन के लिए कौन आ रहा है उस हिसाब से अलग अलग इनके रूम के ऑफर्स हैं। तो इधर हॉलीडे होम टाइप का है, आगे फिर ये रेस्टोरेंट है, इधर सर्वेंट्स के लिए है जो होटल में काम करते हैं उनके लिए रहने के लिए है, और आगे जाकर जो नॉर्मल हमारी तरह के लोग आते हैं 1-2 के लिए उनके लिए बना हुआ है। तो दोस्तों अभी शाम के 6 रहे हैं और अंधेरा देख सकते हैं आप, घना अंधेरा हो चुका है, इसलिए अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हम नील आइलैंड का ये नेचुरल ब्रिज देखने चलेंगे, और उसके बाद में भरतपुर बीच होते हुए हम वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए फेरी पकड़ेंगे। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो अंडमान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।